कैथोलिक चर्च पत्राटोली में शनिवार को पहला परम प्रसाद और दृढ़ीकरण समारोह का आयोजन किया गया। लोहरदगा में आयोजित इस परम प्रसाद में 200 बच्चे शामिल हुए। इस क्रम में प्रवेश नृत्य, दया याचना, महिमा गीत, बाइबल जुलूस आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। अनुष्ठान को लेकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। पुरोहितों द्वारा सभी अनुष्ठान संपन्न कराए गए। परम प्रसाद और दृढ़ीकरण समारोह में शामिल विश्वासियों को प्रभु यीशु का संदेश दिया गया। अनुष्ठान में उपस्थित पुरोहितों ने कहा कि अब आप सभी प्रभु यीशु के बताए रास्ते पर चलेंगे। प्रभु अपने अनुयायियों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। प्रभु को दया और क्षमा पसंद है। अनुष्ठान में काफी संख्या में विश्वासी मौजूद थे। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था दो प्रकार के जो बच्चे रहे उनके विश्वास में आगे बढ़ने के ये जो दो कदम उन्होंने उठाए हैं उसकी तैयारी अच्छी तरह से हुई थी। आज उसका समापन हुआ। एक तरह से आज उस दो सीढ़ी को उन्होंने आज सीढ़ी पर कदम रखा है। उस कोई खासियत थी, नए बच्चे ही दो प्रकार के दल वाले थे। एक जिन्होंने पहली बार परम प्रसाद ग्रहण किया, दूसरे जो थे और एक संस्कार जिसको हम लोग दृढ़ीकरण संस्कार कहते हैं उसे ग्रहण किया। तो दो दल में थे, उनकी अच्छी तैयारी हुई थी। आज उन्होंने उसी को विधिवत ग्रहण किया।